इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट 2007 में किस तरीके से एनिमेशन फोटो बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवीश है और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्मा जी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने एक एनिमेशन फ़ोटो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आप भी एनिमेशन फ़ोटो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में या फिर 2019 हो, सब में आप सेम प्रोसेस से आप एनिमेशन फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक नया पेज आप लोगों को बना करके दिखला देते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक नया पेज ऐड करने के लिए यहाँ पर होम पेज टैब पर क्लिक करके न्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे लेआउट बहुत सारे आपको मिल जाता है, जो जिस भी आपका लेआउट चाहिए। मुझे ब्लैंक एक लेआउट चाहिए तो मैं ब्लैंक यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास एक ब्लैंक शीट आ चुका है। अब मैं इस पर एक रोड बनाऊँगा। सबसे पहले रोड क्रिएट करने के लिए चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं और शेप पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। इस तरीके का मैंने एक रोड बना दिया और इसको चलिए अब कलर फिल कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि रोड ब्लैक कलर का होता है। तो चलिए मैं यहाँ से ब्लैक फिल कर दिया। उसके बाद एक डैश यहाँ पे हम इसमें मिडिल में बीच से लेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक के शेप पे जाएं और यहाँ से आपको इस लाइन को ले लेना है और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिडिल में। और उसके बाद इस लाइन पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आना है और उसके बाद आपको ये वाला कलर सिलेक्ट करना है। दोस्तों इसको आपको डैश डैश में करना है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे डैशेस देखने को मिलेगा, तो इसमें से आपको ये डैश देखने को मिलेगा तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब मेरे पास एक रोड बन चुका है और इससे पे तो मेरा कम्प्लीटली रोड बन चुका है और इसमें हम एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें एनिमेशन को ऐड करेंगे ताकि ये मेरा रोड बार बार लेफ्ट की तरह चलता रहे और मेरा जो इस पे ऑब्जेक्ट हो वो राइट की तरह रन करता रहे। तो इसके लिए आपको इसको एक बार सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद आपको इस रोड पे क्लिक करना है और दोनों को एक ग्रुप में आपको ग्रुप क्रिएट कर देना है। ग्रुप क्यों क्रिएट करना है? ताकि आपका जो भी इफेक्ट एक पे ऐड करें तो दोनों पे अप्लाई हो, इसलिए मैंने ग्रुप क्रिएट करने के। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करें, उसके बाद इस रोड पर कहीं भी आप क्लिक करें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको माउस के राइट बटन को क्लिक करना है और ग्रुप पे क्लिक करना है। उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करके तो फाइनली ये दोनों मेरा ग्रुप बन चुका है। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं कोई भी अगर इफेक्ट इस पे एक ऐड करता हूँ तो मेरा दोनों पे अप्लाई हो, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर रखा। तो अब इस पे इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है यहाँ पे एनिमेशन में, और एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद मोशन पाथ पे क्लिक करना है। मोशन पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मोड मोशन पाथ पे क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे मोशन मिल जाएंगे, तो मुझे यहाँ से लेफ्ट वाला सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसमें से लेफ्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट है। तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो फाइनली इस पर मेरा इफेक्ट ऐड हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखला देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें मेरा एक इफेक्ट ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे ये जो इफेक्ट है उसको कंटिन्यूसली चलाना है। तो उसके लिए आपको एक टाइमिंग यहाँ पे सेट करना होगा और रिपीटेशन अलाउ करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से आपको इस ग्रुप के साइड वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको आएगा टाइमिंग, तो सिंपली टाइमिंग पे क्लिक कीजिए और टाइमिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिले 0 रहने दीजिए और स्पीड इसको आप 3 सेकेंड स्लो कर दीजिए। और इसमें रिपीटेड जो है रिपीटेड इसमें आपको कर देना है अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ताकि ये कभी अंत ना हो। तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा कंटिन्यूसली ऑटोमेटिक से चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे ही ये लाइन ख़त्म होता है तो यहाँ से आपका एक ब्रेक हो जा रहा है। तो इतना दूर करने के लिए इसको पूरी तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स को बड़ा करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टॉप कर लेते हैं और फिर से इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और ये जो आपका ब्लैक वाला रोड दिख रहा है रेक्टेंगल से, इसको आपको इतना बड़ा कर देना है दोनों साइड से।
तो देख सकते हैं मेरा बड़ा हो चुका है। और अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा जो रोड है या ये लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। तो चलिए अब सही हो गया। अब इस पे हमें एक ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई कार बाइक कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कीजिए, लेकिन वो फॉर्मेट PNG में आपका होना चाहिए। तो आप PNG फॉर्मेट में नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इंड करते हैं, इंड शो, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली आ जाना है इंसर्ट में, और उसके बाद क्लिप आर्ट, या फिर आप अगर आपने बाइक या फिर कुछ भी कार PNG फॉर्मेट आपने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से ओपन करने के बाद इस ओपन पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कार सर्च कर लेता हूँ। चलिए मैं कार ही यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो मेरे सामने देख सकते हैं इस तरीके का कुछ लोगो आ चुका है कार का। तो चलिए हम इसको डबल क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने जो ये रोड है उसको लेफ्ट की ओर मूव किया था, तो जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है उसको राइट की ओर मूव करना होगा। तो यहाँ पे ले आइए ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से रोटेट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और इस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो राइट की ओर करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करिए। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से मोशन पाथ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है, या फिर मोड मोशन पाथ पे भी क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट की ओर जा रहा है, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो पूरा मूव करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए और ये जो आपको लाइन दिख रहा है इसको आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच दीजिए और अब इसको प्ले कीजिए। तो देख सकते हैं ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं पूरी में पूरी रोड जो है उसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो एक ही बार क्रॉस कर रहा है। उसको बार बार क्रॉस करने के लिए आपको बस एक रिपीट जो ऑप्शन था उसको अलाउ करना होगा। तो चलिए हम इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करना है और टाइमिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिपीट जो है इसको आपको अनटिल कर देना है, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, और ओके पे क्लिक करना है। इसको 3 सेकेंड कर दीजिए और ओके, और उसके बाद यहाँ पे स्लो है, चलिए स्लो ही रहने देते हैं इसको, और उसके बाद रन कीजिए। तो रन करने के लिए प्ले पे क्लिक कर सकते हैं और पूरी स्क्रीन में आप देखना चाहते हैं तो इस पे आप नीचे क्लिक कीजिए स्लाइड शो। और चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा रोड आ चुका है और ये मेरा जो कार ऑब्जेक्ट है वो यहाँ इस पे रन करेगा, देख सकते हैं, और ये मेरा बार बार यहाँ से रन करता रहेगा क्योंकि दोस्तों इस पे मैंने अनटिल जो एंड ऑफ अनटिल स्लाइड था मैंने उसको सिलेक्ट किया था। अगर एक बार करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 का ऑप्शन था, 2 था, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक मेमस स्पॉट पॉइंट 2007 के अंदर एनिमेशन फोटो बना करके आप लोगों को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।